हेलो दोस्तों नमस्ते। आरपीएससी यूआरओ का जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है और आपके सामने सबसे पहले आंसर की लेकर आ चुका हूँ। साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारी किताब है उसमें से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन हूबहू आए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया डायरेक्ट मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। दूसरा प्रश्न देख सकते हो, 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ के एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी, एक है। तीसरा प्रश्न है, सीकर जिले के नीम के थाना में कांतरी नदी के उद्गम पर जो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता पूछा गया यहाँ पर। चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र शिवी कहा जाता है। गुहिल वंश बप्पा रावल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें राजस्थान जीके के 40 प्रश्न आए हैं, 10% भारत के संविधान से, 10% आपके जो है राज्य संविधान से आए हैं। इसके अलावा आपके जो 20 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से हैं, यानी 80 क्वेश्चन आपका ये हो गया ए पार्ट, और बी पार्ट के अंदर 25 क्वेश्चन आपका जो नियम है 2009, और 5 क्वेश्चन आपके जो 3 नियम है उससे, इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके योजनाओं से आए हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आए हैं। आगे देख सकते हो, राठौड़ वंश के राजाओं के अंदर जो यहाँ पर मालदेव ने मंडोर पर कब्जा किया था उसके बारे में पूछा गया है। हेरण दुर्ग आबानेरी में मैंने बताया था, गुजर प्रतिहार शैली। इसके अलावा यहाँ पर बन्ना बन्नी जो विवाह से पहले दूल्हे के रिश्तेदार द्वारा गीत गाए जाते हैं, ये मैंने आपको कितनी बार बताया था, बिछिया और लालर, ये पर्वतीय क्षेत्रों के लोकगीत है मैंने आपको बताया था। और ये लैंग्वेज से संबंधित पूछा गया था। इसमें एक देख सकते हो, राजा की मानता और उनकी विजयों को राजस्व कहा जाता है। निरंजन संप्रदाय मैंने बताया था, लालदास जी महाराज, ठीक है। इसमें दोस्तों हरिदास जी भी यहाँ पर जो है सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हरिदास जी सही उत्तर हो सकता है इसका, निरंजन संप्रदाय का, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, संत को कबीर कहा गया है, दादू दयाल को, और यहाँ पर पूछा गया है गणगौर के बारे में, कौन सा जो है यहाँ पर अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, जो सही उत्तर हो जाएगा। ये आभूषण पूछा गया, तिमणिया गला का आभूषण है, अल्लाह जिला भाई मांडगाई का, ठीक है, मांडगाई का अल्लाह जिला भाई। और ये किसान आंदोलन भोजी लंबरदार भरतपुर के अंदर है। और ये दरगाह जो पूछा गया झालावाड़ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो, मेवाड़ प्रजामंडल की माणिक्यलाल वर्मा, ये मैंने मेरी क्लास में करवाया था, आपको पता है 11 उपक्षेत्रों के अंदर बांटा गया है। और ये वालरा कृषि मैंने बताया था, चिमाता जो है पहाड़ी पे होती है और दजिया ज़मीन पे होती है, वालरा कहा जाता है। कांकड़ी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसमें से अरब सागर में माही नदी जाती है दोस्तों, आपको पता है, ये भी मैंने बताया था अच्छे से। और ये अप्रत्यक्षित हो जाएगा जलवायु। इसके अलावा माउट होती है सर्दियों के अंदर, यहाँ पर पूछा गया है। खेजड़ी जिसे राजस्थान का जो है कल्प वृक्ष कहा जाता है। धोखड़ा सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी डूंगरपुर में पाई जाती है मक्के की खेती के लिए। इंदिरा गांधी को मरुगंगा कहा जाता है, ठीक है। सिंचाई परियोजना गंगानगर के अंदर सबसे ज़्यादा होती है नहरों से। झुंझुनू के अंदर तांबा पाया जाता है। लाखेरी मैंने बताया था सीमेंट का कारखाना आपको। जनगणना से 1% आया है 1928 जो है जनगणना अपने लिंगानुपात है राजस्थान का। इसके अलावा जोधपुर में बंदेज जैविता पार्क गमदर डांग करौली के अंदर है। और बीकानेर शुष्क जिले के अंदर आता है। ये खटीक जो है एक जाति है, जनजाति नहीं है, यहाँ पर पूछा गया। बीकानेर में लिग्नाइट पलाना आपको बताइए। हनुमानगढ़ में कपास होता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसके अलावा ये पॉलिटिक प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, ये भाग 3 में देख सकते हो मौलिक अधिकार, और ये मौलिक कर्तव्य के अंदर दिया गया है, एकता अखंडता की रक्षा करूँगा। इसके अलावा ये 2 बार आ चुका है, सीईटी के अंदर भी आया था, 44 सिविल नागरिक संहिता कोड, 10 साल ये न्यायाधीश को रहना पड़ता है तब जाके वो मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। और राज्यसभा की 30 वर्ष आयु होनी चाहिए सदस्य के लिए। यहाँ पर जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक के भत्ते और सेवाएं संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, पहले लोकायुक्त पीसी घोष, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें हैं। कमना बेलीवाल पहली मंत्री है, मैंने आपको कहा था, ये उप मुख्यमंत्री भी बनी थी। लोकसभा की 25 है। राजस्थान में न्याय तंत्र जो है नीति निर्माण में अनौपचारिक माध्यम है। ये नागरिक अधिकार पत्र मैंने करवाया था आपको, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जिसमें ये भी बताया था पंचायती राज की शुरुआत नागौर से हुई है। इसके अलावा ये 14 नवंबर 2011 को लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। और ये देख सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैंने जो करवाए थे वो सारे आपके आ चुके हैं, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आए हैं, मैंने करंट अफेयर्स कम करवाया है, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हो 20 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा आपका जो एयर इंडिया शो ये बेंगलुरु के अंदर हुआ था, T20 वर्ल्ड कप से पूछा गया था, ठीक है ना। अध्यक्षता जो उदयपुर के अंदर हुई थी, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, मॉडरेट लेवल का, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो आप देख सकते हो जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में 81 नंबर से शुरू होता है नगर पालिका अधिनियम जो प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो। वार्डों में संख्या का निर्धारण राज्य सरकार ही करेगी, ठीक है ना, ये सारे जो है यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें पूरे। इसकी एक विस्तृत जो ऑफिशियल आंसर की है मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, पहले एक बार दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं। जुर्माने वगैरह से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, और आपकी जो धाराएँ हैं उनसे 2-3 प्रश्न आए हैं। इसके अलावा योजनाओं के सारे प्रश्न अपनी किताब से सीधे के सीधे आए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको बताया भी था। योजनाओं के प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट,
यहाँ से शुरू होती है योजना स्वच्छ भारत मिशन। यहाँ पर देख सकते हो 111 से इसमें राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है। और ये देख सकते हो कचरा मुक्त स्वच्छ भारत मिशन 2.0, कोई भी भूखा न सोए, मैंने बताया था आप किताब में लिख रखे हैं सारे, देख सकते हो आवास और शहरी मंत्रालय। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे आगे तो ये इसमें शहरी क्षेत्रों के हर घर घर नल के लिए ये अमृत योजना में प्राथमिकता क्षेत्र है। हृदय योजना का पूरा नाम पूछा गया था और ये DAY मैंने कहा था दीनदयाल अंत्योदय योजना को शामिल कर लिया है। पहला प्रश्न है अपनी किताब का, ये नरेगा की तर्ज पर चलाई गई है। और ये देख सकते हो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड में 50,000 रुपये तक आ रही है। तो इस तरीके से मैंने शॉर्ट के अंदर पूरा पेपर एनालिसिस आपको करवा दिया है। कट ऑफ का वीडियो जल्द आने वाला, सब्सक्राइब कर लेना, आंसर की टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ये पेपर उपलब्ध करवा रहा हूँ दोस्तों, और जो जिनका आगे की पारी में एग्ज़ाम है उनको ध्यान रखना है। आप लगभग 100+ अटेंड करना आपको, ठीक है ना, 100+, ठीक है ना। 100 अगर कर रहे हो तो ठीक स्कोर आपका रहने वाला है दोस्तों, और टाइम काफ़ी मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और योजना एक बार पढ़ लेना और करंट अफेयर्स थोड़ा देख लेना, इससे ज़्यादा वेटेज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।